उत्तराखंड में वनाग्नि एक सबसे बड़ी समस्या रहती है। गर्मियों के समय में यहाँ लाखों जंगल जलकर खाक हो जाते हैं, जिससे जंगलों के पेड़, पशु, पक्षी और पर्यावरण को काफी नुकसान पहुँचता है। वैसे तो फायर सीजन फरवरी महीने से शुरू होता है, पर अल्मोड़ा में अभी से जंगल धधक रहे हैं। सर्दियों के मौसम में अल्मोड़ा के विभिन्न जंगलों में आग लगी हुई है, जिससे काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। अल्मोड़ा की बात की जाए तो अल्मोड़ा के विभिन्न जंगल जलकर खाक हो गए और कई वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। वैसे तो फायर सीजन 15 फरवरी से शुरू होता है, पर एक महीने पहले से ही जंगल धधक रहे हैं। देखा जाए तो फायर सीजन में और भी बुरा हाल हो सकता है। इसके लिए हमने अल्मोड़ा के DFO महातिम यादव से बातचीत की। उन्होंने बताया वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है और बारिश नहीं होने की वजह से ये जंगल धधक रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए वो सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 3 महीनों से उत्तराखंड में बरसात नहीं हुई है, जिस कारण से खेतों में भी और वन पंचायत हो या आरक्षित वन क्षेत्र हो, उसमें सूखी घास की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिनको काटा भी नहीं गया है लोगों द्वारा, जिस कारण से वो छोटी सी कोई खेतों में आग है या कहीं किसी गांव में भी छोटी सी आग फैल रही है तो बड़ी तेज़ी से वन क्षेत्रों में फैल जा रही है, जिस कारण से हम ये अपवाद के रूप में देख रहे हैं कि सर्दी के मौसम में भी वन क्षेत्रों में वनाग्नि घटनाएं मिल रही हैं। अभी तक जो भी छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं वो हम लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास संसाधन वनपान में उपलब्ध हैं, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फायर सीजन 15 फरवरी से शुरू होता है, इसलिए हम अपने विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से इसको हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और जहाँ भी ऐसी घटनाएँ हो रही हैं हमारी टीम जाके बुझाने का प्रयास कर रही है। काफ़ी पुरानी समस्या है कि कुछ लोग जो है अपने खेतों में आग लगाते हैं और अपने या कहीं कूड़ा जला रहे होते हैं या कभी कभार अराजक तत्व भी जंगलों में पार्टी कर रहे होते हैं, वो एक आग फैल जाती है। अब वर्तमान में जो भी हमारे पास संसाधन है उससे हम इनको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सर्दी के मौसम में भी जंगल धधक रहे हैं तो फायर सीजन में आगे क्या होगा, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो अल्मोड़ा डिवीजन और सिविल स्वयं में करीब 813 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हुए हैं। अब इसके अलावा फायर सीजन को लेकर वन विभाग की कैसी तैयारी दिखती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज 18 लोकल के लिए।